इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बीजेपी के नेता इस वक्त वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के नेता राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचे हैं। विपक्ष के नेता भी इससे पहले मिल चुके हैं वेंकैया नायडू से। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, पहले विपक्ष की मुलाकात हुई और अब बीजेपी के नेता मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, क्या मांग की जाएगी बीजेपी की तरफ से? जी देखिए, पहले संसद में हमने घमासान देखा, अब वही संसद सत्र खत्म होने के बाद वही घमासान हमें संसद के बाहर सड़कों पर देखने को मिलेगा। और सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी आमने सामने हैं और जो विपक्ष के नेता हैं वो सभापति से मुलाकात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि उनको सदन के अंदर यानी कि राज्यसभा के अंदर उनको बोलने नहीं दिया गया और साथ ही साथ जो चर्चा होनी चाहिए तो चर्चा ठीक से नहीं कराई गई। और इसके अलावा उनका ये भी आरोप है कि जो मार्शल्स हैं उन्होंने सांसदों के साथ, विपक्ष के सांसदों के साथ बदतमीजी की, धक्कामुक्की की। और खासतौर से एक आरोप जो ये है कि जो महिला जो सांसद है विपक्ष की उनसे पुरुष मार्शलों ने धक्का मुक्की की, ये आरोप लेकर, ये शिकायत लेकर जो विपक्ष के सांसद है वो वेंकैया नायडू के पास पहुंचे हैं। और इसके बाद जो उनकी बैठक होगी वो सरकार के जो मंत्री और सरकार जो का जो पक्ष है उनके जो मंत्री वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सरकार का ये आरोप है कि विपक्ष के सांसदों ने मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की और यहाँ तक कि कल प्रहलाद जोशी ने कहा था कि विपक्ष के एक सांसद ने तो एक पुरुष मार्शल का गला दबाने की कोशिश की थी। और इसके अलावा जो सदन की मर्यादा होती है उसको तार तार किया गया, टेबल पे चढ़ गए, जो बुक्स थी, जो फाइल थी और जो रूल बुक थी वो चेयर की तरफ फेंकी गई और सदन का कामकाज नहीं करने दिया गया। तो दोनों पक्ष के अपने अपने आरोप है और सरकार की मांग ये है कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू एक कमेटी बनाए, जो कमेटी जो है इन सभी मामलों की जाँच की, पूरी घटना की जाँच करे। इसके अलावा जो CCTV के फुटेज हैं जो सदन के अंदर के हैं उसकी भी जाँच की जाए और उसको भी जारी किया जाए। और जो कमेटी है जो इसकी जाँच करेगी वो जो हंगामा करने वाले जो सांसद है उनके खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश करें। बिल्कुल, इस पर वेंकैया नायडू को कोई कदम उठाना चाहिए, ये सरकार मांग कर रही, बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं। जिस तरह से पूरा ये सत्र गुजरा है आनंद, जो तस्वीरें देखने को मिली वो वाकई शायद पहले कभी नहीं देखने को मिली। जिस तरह से एक लॉबी का शीशा तोड़ दिया गया, धक्का मुक्की हुई, टेबल पर चढ़े सांसद, सीटी बजाई गई, क्या वाकई जरूरी नहीं है कि कार्यवाही हो? और क्या नियम है संसद सत्र खत्म होने के बाद, क्या कार्यवाही हो सकती है अभी भी इन पर? देखिए, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के ऊपर है कि जो उनकी उनसे जो मांग की गई है सरकार की तरफ से कि कमेटी बनाई जाए जो इस पूरी घटना की जांच करे। और जिस तरह से बसलुकी की गई, मार्शलों से जो बसलुकी की गई, उनका गला दबाने की कोशिश की गई, उनको मैनहैंडल किया गया, जो रिपोर्टर्स डेस्क होती है उस पर चढ़ गए, चेयर की तरफ किताबें फेंकी गई, उसके अलावा पेपर्स को फाड़ कर उछाला गया। और साथ ही साथ सदन खत्म होने के बाद जो अंदर जो जैसा कि आपने जिक्र किया कि शीशा तोड़ा गया, इन सारी घटनाओं की जाँच करने के लिए सरकार की मांग है कमेटी बनाई। और वही कमेटी कर रहे कि कमेटी बनाई जाए। विपक्ष के नेता मुलाकात कर रहे हैं, सरकार बीजेपी के नेता भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ देर बाद उनकी भी मुलाकात होगी वेंकैया नायडू को। वेंकैया नायडू से आपको सुनाते हैं, मार्च के बाद विपक्ष के दूसरे नेताओं ने सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कर, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। ये जो हमारी अपोजिशन की यूनिटी है उसको धन्यवाद देता हूँ कि कल भी हम एक साथ थे और आज भी एक साथ है और कल भी रहेंगे, क्योंकि संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया। संसद चर्चा की चीज है, विमर्श का चीज है। संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पेगासस पर चर्चा चाहते थे। और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की और यकीन दिलाते हैं इस अहंकार का प्रतिकार जनता करेगी, क्योंकि वो
इनके नियंत्रण में आपका हित कतई नहीं है। जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का भी एक महत्व लोकशाही में होता है और ऑपोजिशन की बात ये जनता की बात होती है, जनता की पुकार होती है। इसको पूरी तरह से इस बार इस सेशन में कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, विपक्षी नेताओं की हम बात सुन रहे थे, राहुल गांधी हो या और भी नेता हो, सब एक ही सुर में एक बात कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, कार्रवाई नहीं चलाई गई। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि स्पीकर और सभापति का काम ही है संसद चलाना, लेकिन विपक्ष चलने नहीं दे रहा था, ये बात भी बिल्कुल सच है। इस वक्त विपक्ष के नेता मुलाकात कर रहे हैं वेंकैया नायडू से, वो अपना पक्ष किस तरह से रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या मांग कर सकते हैं। जी देखिए, इस पूरे सत्र के दौरान लगातार सभापति वेंकैया नायडू ने अपने चेयर से विपक्ष के सांसदों से लगातार ये अपील की कि संसद जो है, राज्यसभा जो है, चर्चा के लिए है और जनता ने जिन्होंने आपको भेजा है वो भी आपको देख रहे हैं, तो आप सदनी गरिमा को बनाए रखिए। जिन मुद्दों पर आपको चर्चा करनी है आप चर्चा करिए। किसानों के मुद्दों पर लगातार चर्चा करने की मांग की जा रही थी, उसके लिए भी चर्चा लिस्ट की गई, लेकिन उस दिन क्या हुआ आपने देखा किस तरह विपक्षी सांसद डेस्क पर चढ़ गए और हंगामा किया। इसके अलावा जो कोविड को लेकर भी एक चर्चा तय की गई थी, उस दिन भी चर्चा नहीं होने दी गई, क्योंकि विपक्ष जो अड़ा रहा कि पहले पेगासस के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। और ऐसे कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी अपना मौका खो दिया, जो सरकार को टारगेट कर सकता था, सरकार को घेर सकता था, सरकार को आईना दिखा सकता था, भले वो महंगाई का मुद्दा हो, किसान कानून का मुद्दा हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं जो कि जनता जुड़े मुद्दे, उस पर विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं अपने हंगामे के चलते, अपने अड़े रुख के चलते सरकार को घेरने का, सरकार को कटघरे में खड़े करने का मौका चूक गए वो लोग, क्योंकि लगातार वो हंगामा करने पर अड़े रहे और लगातार सभापति की अपील के भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। कल जब वेंकैया नायडू भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू छलक है, उस वक्त भी विपक्ष के सांसद लगातार नारा कर लगा रहे थे और हंगामा कर रहे थे। तो वैसे तो पहले से ही जो विपक्ष का रवैया है, सभापति उनसे बेहद दुखी है, उनकी आंखों में आंसू भी आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कल भी ये कहा था कि जो परसों हुआ सदन के अंदर वो पवित्रता को भंग किया गया, जिस तरह से टेबल पर चढ़ा गया, चेयर पर किताबें और फाइल फेंकी गई, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि सकलेश के समान है, यानी कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो अलग बात है कि विपक्ष अपना आरोप लगाएगा, सभापति से मिलकर सरकार के ऊपर आरोप लगाएगा, लेकिन सभापति ने खुद कई बार ये अपील की कि आप चर्चा करिए, सरकार चर्चा को तैयार है, और चूंकि हाउस के कस्टडियन जो है वो सभापति है, जब वो खुद कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए और ऐसे में विपक्ष उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में अगर जब वो दलील देगा उप सभापति के सामने, वेंकैया नायडू के सामने, तो मुझे लगता नहीं कि वो कन्विंसिंग होगा, क्योंकि सभापति खुद विपक्ष का रवैया पूरे सत्र के दौरान देख चुके हैं। आनंद, ये इसी से समझा जा सकता है, जब विपक्ष को चर्चा करनी थी, जब ओबीसी बिल आया, संशोधन बिल आया, तब सदन चला, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सिर्फ उतनी देर वहां पर काम हुआ, वोटिंग हुई और वो बिल पास हुआ, उस दौरान कुछ नहीं बोला, उस दौरान विपक्ष ने हंगामा नहीं किया, तो साफ था कि इसके पहले विपक्षी सदन नहीं चलने दे रहा था। अगर वो चाहता तो बाकी मुद्दों पर भी चर्चा होती, जिस तरह से आनंद भी कह रहे थे, जब कृषि बिल पर चर्चा हुई, उसको लिस्ट किया गया, तो उसमें भी हंगामा किया गया। इस वक्त विपक्ष के नेता मुलाकात कर रहे हैं वेंकैया नायडू से। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।